वो ना देखती है ना सुनती है, सीधा उड़ा देती है। जवान फिल्म में क्यों हो रही है इस गैंग की चर्चा? कौन है जवान फिल्म की वो पांच लड़कियां जिन्होंने इस फिल्म में दम दिखाया? किंग खान भी हो गए फैन। जवान की कामयाबी में इन पांचों का है बड़ा योगदान। निभाए ऐसे किरदार, लोग कर रहे सलाम। जवान फिल्म रिलीज हो चुकी है, पहले ही दिन फिल्म को बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग पहले से ही इस फिल्म के लिए टिकट बुक करा रहे थे। खबर के मुताबिक जवान इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती है। लेकिन कमाई के साथ साथ इस फिल्म में स्पेशल किरदार निभाने वाली उन पांच लड़कियों की भी चर्चा हो रही है जो एक इशारे पर गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं। तो जनाब कमर की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि इस फिल्म में आपका सामना एक ऐसे गैंग से होने वाला है जो ना किसी को देखता है ना सुनता है, सीधा गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इस गर्ल गैंग की पांच लड़कियों की चर्चा फिल्म की एक्टर्स से भी ज्यादा हो रही है, इनकी जमकर तारीफ हो रही है। चलिए सबसे पहले आपको उन पांचों जांबाज लड़कियों से मिलवाते हैं, फिर एक दिलचस्प खबर बताएंगे। नंबर एक, सानिया मेहरोत्रा। आमिर खान की दंगल से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस सानिया मेहरोत्रा शाहरुख की जवान में नजर आ रही हैं। जवान के प्रीव्यू से लेकर ट्रेलर और गाने में कई बार सानिया की झलक दिखाई गई। सानिया शाहरुख की गर्ल गैंग में से एक है। जवान में उनका मेडिकल से कोई कनेक्शन हो सकता है। नंबर दो, लहर खान। रणवीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आ चुकी है लहर खान। लहर ने फिल्म में अमिताभ के आश्रम में रहने वाले बच्चों का रोल प्ले किया था। इसके अलावा वो पार्च्ड फिल्म में भी एक्टिंग कर चुकी हैं। ओटीटी पर कई सीरीज कर चुकी लहर खान अब शाहरुख की जवान में गर्ल गैंग का हिस्सा हैं। नंबर तीन, संजीता भट्टाचार्य। शाहरुख खान की जवान को लेकर संजीता भी बेहद एक्साइटेड हैं। गाने का शौक रखने वाली संजीता को अचानक जवान के लिए ऑफर मिला। संजीता गर्ल गैंग में काफी अहम रोल प्ले कर रही हैं। संजीता फील्स लाइक इश्क और कई दूसरी सीरीज में काम कर चुकी हैं। नंबर चार, प्रियामणि। शाहरुख की जवान में एक बार फिर प्रियामणि नजर आ रही हैं। इससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस के सॉन्ग 1 2 3 4 में प्रियामणि ने किंग खान के साथ स्क्रीन शेयर की थी। जवान में प्रियामणि का किरदार भी किसी मुसीबत में फंसा है, जिसकी वजह से उन्होंने शाहरुख खान से कॉन्टेक्ट किया है। प्रियामणि द फैमिली मैन के अलावा कई सीरीज में काम कर चुकी हैं। नंबर पांच, गिरजा ओक गोडबोले। मराठी सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा है गिरजा, जो शाहरुख की गर्ल गैंग में शामिल हैं। गिरजा थिएटर आर्टिस्ट हैं। वो आमिर खान की फिल्म तारे जमीन में भी नजर आई थी। कला से लेकर शोर इन द सिटी जैसी ओटीटी सीरीज में भी एक्टिंग कर चुकी हैं। अब जवान की गर्ल गैंग बनकर आ रही हैं। इस फिल्म में ये पांचों लड़कियां शाहरुख खान के एक इशारे पर गोलियां बरसाने वाला गैंग है। लेकिन इन लड़कियों की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल इस फिल्म में कुल मिलाकर 7 लड़कियां हैं। इसके माध्यम से इस फिल्म में महिला सशक्तिकरण को दिखाने की कोशिश की गई है। जवान में नयनतारा और दीपिका पादुकोण लीड रोल प्ले कर रही हैं। तो वहीं पांच लड़कियों की गैंग चीफ के एक ऑर्डर के लिए तैयार खड़ी है, और वो चीफ हैं शाहरुख खान, जिनके एक इशारे पर ये पांचों किसी की नहीं सुनती हैं और ना ही कुछ देखती हैं, और ये पांचों इस फिल्म में बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो आपका इस फिल्म में शाहरुख के किरदार और इन पांचों लड़कियों को लेकर क्या कहना है, और आपके हिसाब से फिल्म कितना पैसा कमा सकती है, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।